हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ सिंप्लीफाइड वैसारी का। तो हमने अब तक एडॉप्शन की पूरी सीरीज, पूरी जर्नी हमने एक्सपीरियंस की है, हमने देख ली है। जिन लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया है उनको भी पता चल गया है एडॉप्टिव पेरेंट्स को क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो उनके जो मिस अजम्पशंस होंगे एडॉप्शन की प्रोसेस को लेके, तो आई होप वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के वीडियो का बेसिकली टॉपिक ही यही है, एडॉप्शन की प्रोसेस को लेके मिस अजम्पशंस जो जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिस अजम्पशंस वो नॉन एडॉप्टिव पेरेंट्स के भी हो सकते हैं और आप खुद एडॉप्टिव पेरेंट्स के भी होते हैं। तो पहले हम लोग ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अडॉप्ट करना है, जिन्हें पता है उन्हें अडॉप्शन करना है, रीजंस होते हैं, अपने अपने रीजंस होते हैं। तो उन हस्बैंड और वाइफ ने मिलके ये डिसाइड कर लिया है कि अडॉप्शन की प्रोसेस को अभी फेस करना ही है। लेकिन क्या होता है, कोई एक पार्टनर ऐसे होता ही है या तो दोनों के दोनों, लेकिन बहुत सारे केसेस में जितने क्वेश्चंस आए हैं उनके हिसाब से कोई एक ऐसा पार्टनर है कि जो झिझक रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस सवाल से ही वो पीछे हट रहे हैं और वो एडॉप्शन की प्रोसेस को मना कर रहे हैं कुछ अलग अलग रीजंस देके। तो इसको हम अब कैसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फोकस करेंगे, आपको पेरेंटहुड एंजॉय करना है, आपको पेरेंटहुड को फेस करना है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो अभी उसके लिए क्या करेंगे, ये लोगों का जो डर है दिमाग में, दिल में बैठा हुआ, तो उसको कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, एक पेपर पे सिर्फ आप लिख सकते हो पॉजिटिव थिंग्स। अगर आप पापा बन गए, अगर आप मम्मा बन गए, तो आपको क्या खुशी होगी। ओके, इन शॉर्ट एक लेटर ही लिख डालो अपने खुद के बेबी को, या अपने दिल की बातें अपने आप को बोलो, जो आप जैसा उस लेटर को नाम देना चाहे वो आपकी मनमर्जी। ये किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं, आपके पार्टनर को आपको नहीं दिखाना है मत दिखाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो यहाँ पे जो अटका पड़ा है ना वो निकलना बहुत जरूरी है कि नहीं मुझे नहीं करना, ये गलत है, एडॉप्शन प्रोसेस सेफ नहीं है, ऐसा किसने बोला। ये बहुत मिस अजम्पशंस लेके बैठ जाते हैं लोग। तो पहले एक पेपर पे बहुत अच्छे से फुल ऑन पॉजिटिवली ही सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखेंगे कि आप पेरेंट बनने के बाद आपके दिल में आपके बच्चे को लेके क्या क्या थॉट प्रोसेस है, आपको क्या क्या आपके बेबी के लिए करना है, आप क्या महसूस करोगे, आप फर्स्ट टाइम आपके बेबी को देखोगे, तो वो सोच के देखिए। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप सिर्फ कुछ देर अपने आप से ये बातें तो करके देखिए, ये बचपना है, ये बचपना ट्राई करके देखिए, क्योंकि तब हम जब अपने आप से ही कनेक्ट हो जाते हैं ना, तब पता चलता है कि कुछ डिसीजंस अपने लिए लिए जाते हैं, ना कि दूसरों के लिए। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इस थॉट प्रोसेस से कैसे बाहर आना है। ओके, तो कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनका हो गया है ये डिसाइड कि उन्हें अडॉप्ट करना है, लेकिन बाय मिस्टेक या बाय एक्साइटमेंट उन्होंने ये बात बहुत सारे लोगों से शेयर कर ली, या तो कुछ लोगों से शेयर कर ली जिन्होंने इतनी निगेटिव बातें उनके दिमाग में डाली है, अब वो निकल ही नहीं रही है। अब उनका डिसीजन ऐसे हो गया है, अब क्या करूं, लूं या ना लूं। अब शायद वो लोग करेक्ट है ऐसे सोच के बैठे। मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इसका फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इतना ही देना चाहूंगी, मेरी खुद की इंटरकास्ट मैरिज है। अगर हम तब मेरे हस्बैंड और मैं तब ये ढिंढोरा पीट देते कि मैं और वो
एक दूसरे के प्यार में है या एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो क्या आज हमारी शादी सच में हुई होती? आज हमारी शादी को 10 साल कंप्लीट हुए हैं, तो क्या आज हम दोनों एक दूसरे के साथ रह पाते? कुछ बातें कभी कभी सिर्फ दोनों को ही डिसाइड करनी होती है या उनके कुछ रिलेटिव्स को मिलके ही डिसाइड करनी होती है। जब तक आप एडॉप्ट नहीं करते तब तक वो कोई दूसरे का बच्चा ऐसे नजर से ही लोग देखते हैं। जब आप एडॉप्ट कर लोगे, फाइनली जब आपके घर में आपका बेबी आएगा, तब उसको वो आपके बेबी के तौर पे ही देखा जाता है। ये बातें आपको समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी उन लोगों को छोड़ दो, और ये डिसीजन आपने लिया था कुछ सालों पहले, तो अभी इसे कंटिन्यू कर दीजिए प्लीज। योर नेक्स्ट बहुत क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि बड़ा एज का बेबी मिले तो क्या करे, कि क्या करे अगर बहुत बड़ा बेबी है तो अगर बड़ा एज का बेबी आ रहा है तो उसके बारे में ना मैंने डिटेल में इमीडिएट प्लेसमेंट के ऑप्शन में बहुत डिटेल में बोला है। तो प्लीज़ मेरी बहुत दिल से ये रिक्वेस्ट है, आप वो पार्ट देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं नहीं बोल सकती अभी, इतना बहुत लेंथ बढ़ जाएगी वीडियो की, इसलिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उन पेरेंट्स का है जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। सारे 2-3 क्वेश्चंस के जो आंसर एक ही हो सकता है, वो सारे क्वेश्चंस एक साथ ही ले रही हूँ। और एक मोस्ट रिलेवेंट ऐसा भी क्वेश्चन है कि हम कैसे बताएं अपने बेबी को कि वो अडॉप्टेड है। बेबी को अडॉप्शन के बारे में कब बताना चाहिए या बताना इम्पॉर्टेंट है क्या, बताना ही चाहिए क्या, उसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए, अगर उसको हम बोल देंगे या उसको आप बोल दोगे कि वो अडॉप्टेड है, तो बेसिकली मैं मेरे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ही आपसे बात करूंगी। अभी मुझे नहीं पता मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजंस कभी कभी बहुत मैटर करते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, ये बात छुपती नहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से पता तो चल ही जाता है। हम तो नहीं बोलेंगे, हम क्यों बोलेंगे, हम खुद माँ बाप है अपने बच्चों के, हम क्यों ऐसी बातें बोलेंगे अपने बच्चों को ही। ओके, तो अडॉप्टेड है ये हम कब बोल सकते हैं बेबी को? अगर आपका बेबी छोटा होगा, विद इन 4 ईयर का होगा, तो आपके लिए काफ़ी आसान है। तो आप बेबी 2 ईयर्स का होने के बाद और 4 ईयर्स तक आप बोल सकते हो, कभी भी बोलो। क्यों ऐसा एज लिमिट? क्योंकि मेरी प्रूफ 4 ईयर्स की है, मैं अब उसको देख रही हूँ, मैं इतने अच्छे से जानती हूँ कि ये बच्चे इतने भी क्वेश्चन नहीं करते, जितना मम्मा बोलेगी ना उतना उनको एक्सेप्ट हो जाती है बातें, और स्टोरीज उनको बहुत पसंद होती है, बहुत पसंद होती है, और स्टोरी के तौर पे अगर आप बोलोगे ना वो अच्छे से सुनेंगे। तो क्या होता है, जितना वो हमको क्वेश्चनिंग करेंगे उतना हम कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे। तो इससे बेटर अगर आपके बच्चे उसी एज ग्रुप के हैं तो आप प्लीज़ तब से बताना स्टार्ट कीजिए। अभी बताने से पहले भी क्या करना है, अपने आप से ही बोल के प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बच्चे के सामने इमोशनल होके नहीं बोलना है, रो धो के नहीं, ये स्टोरी है, ये फेरी की स्टोरी है, ऐसे बता के आपको ये बताना है, जिससे उसको इंटरेस्ट आ जाए, कि जिससे उसके दिल में भी ये चाह आ जाए कि हाँ वाह यार मैं तो अडॉप्टेड हूँ ऐसा। क्वेश्चन जितने थे मैंने सिर्फ उतने ही फ्यू क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने तब के तब आंसर दे दिया है, और मुझे ऐसे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई इम्पॉर्टेंट और डर होता है। अभी जो बाकी के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो तो अपने आप में ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने इस एडॉप्शन की जर्नी में मुझे इतना प्यार दिया, इतना कोऑपरेट किया, मुझे इतने सारे पॉजिटिव फीडबैक्स भेजे हैं थ्रू ईमेल्स, थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस, थ्रू कॉल्स। मेरे जो जो रिलेटिव्स हैं, मेरे जो जो फ्रेंड सर्कल में हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। आप लोगों के बिना मैं इतनी ये पूरी जर्नी कम्प्लीट नहीं कर पाती थी। आई होप
मेरे आगे के जितने भी, इसके अलावा अभी मैं जो नेक्स्ट ट्यूसडे से जो नेक्स्ट ट्राई करने जा रही हूँ भी आपको बहुत पसंद आएगा। के आगे अब मैं ऐसे ही वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। फिलहाल तो मेरे अपने ही लोग हैं जो मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बना, उस चीज़ पे वीडियो बना, तो मैं उनको ही मद्देनजर रखते हुए वीडियोस आगे बना रही हूँ। तो अगले ट्यूसडे अगर मेरा एक DIY चल रहा है, अगर वो कंप्लीट हुआ तो DIY का वीडियो आएगा, नहीं तो फिर एक वीडियो तो मेरा रेडी है तो वो आ जाएगा। अभी सस्पेंस नहीं खोलती, अगले ट्यूसडे को ही देख लीजिएगा। तो आई होप आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, मेरे आगे के आने वाले वीडियोस ऐसे ही फुल ऑफ पॉजिटिविटी से देखते रहेंगे। ओके, कि जो भी पॉजिटिव क्वेश्चंस होंगे वो कमेंट बॉक्स में डाल लीजिए बेझिझक। और अगेन अगर ऐसे कोई पेरेंट्स हैं जिनको कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट्स करनी है, तो उनके लिए मेरा मेल ID ऑलवेज ओपन रहेगा। आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं अभी एडॉप्शन की सीरीज छोड़ के दूसरा टॉपिक पे जा रही हूँ, दूसरे वीडियोस करने वाली हूँ, तो आप बाद में मुझे एडॉप्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे तो मैं आंसर नहीं करूँगी। नहीं, मैं आपको 100% आंसर करूँगी। ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय।